बाबा साहब ने जो हमें दिल्ली रानी झांसी रोड स्थित अंबेडकर भवन में ऑल इंडिया अंबेडकर सोशल वर्कर फेडरेशन द्वारा शेड्यूल कास्ट रूरल ट्राइब के नवनियुक्त आईएसओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में एससी एसटी के नवनियुक्त आईएसओं को राष्ट्रीय भीम रत्न अवार्ड 2021 देकर सम्मानित किया गया। समारोह में राजस्थान के दीपक कुमार बड़ागांव झुंझुनू से व दिल्ली से नीतीश राजौरा, फरीदाबाद से सौम्य आनंद, राजस्थान से आंडा आशा कंडारा को यह सम्मान देकर सम्मानित किया गया। और सम्मान समारोह में समाज की तरफ से उन्हें पगड़ी पहनाकर व अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। समारोह में सबसे पहले बाबा साहब के सामने सुनील गोलपुरिया जी फूल चढ़ाकर आए हुए मेहमानों ने बाबा साहब को नमन किया और उन्हें उनके कार्यों के लिए याद किया और एक साथ नमन करके बाबा साहब के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया। और उन्होंने एक स्वर में कहा कि बाबा साहब का जो अधूरा सपना है उन्हें हम पूरा करने के लिए जी जान लगाकर पूरी मेहनत करेंगे और इस कार्यवाही को मंजिल तक लाकर छोड़ेंगे। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा से सीनियर आईएएस एवं रिटायर्ड पूर्व चीफ कमिश्नर चुनाव आयुक्त हरियाणा ने शिरकत की। समारोह को सफल बनाने के लिए ऑल इंडिया अंबेडकर सोशल वर्कर फेडरेशन के द्वारा लगातार लगभग 2 महीने से कड़ी मेहनत की जा रही थी और ये देश का पहला कार्यक्रम है जिसमें समाज शेड्यूल कास्ट के आईएएस को राष्ट्रीय लेवल पर बुलाकर एक साथ सम्मानित किया गया है। समारोह बहुत ही सम्मानित आज के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर दलीप सिंह जी, वरिष्ठ आईएएस, पूर्व चीफ कमिश्नर हरियाणा सरकार, आपका यहाँ पहुँचने पर मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। एक छोटे से निमंत्रण पर हमारे कार्यक्रम में जो आए हैं डॉक्टर दीपक कुमार जी आईएएस, मिस्टर नीतीश कुमार राजौरा जी, मिस सौम्य आनंद जी, मैडम आशा कंडारा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा इस आपकी सफलता पर और यहाँ पहुँचने पर। जोरदार तालियों से मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ साथ जितने भी आज हमारे पूरे भारतवर्ष से अंबेडकर एडमिशन पर काम करने वाले लोग आए हैं, चाहे वो शिक्षक हैं, चाहे वो प्रोफेसर हैं, फील्ड वर्कर हैं, पत्रकार हैं, छायाकार हैं, जो भी आज हम जिनको अवार्ड देने जा रहे हैं उनको हम यहाँ पहुँचने पर सबसे पहले यहाँ हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा साहब के कारवा को जो हमारे नव नियुक्त अधिकारी हैं, हमारी ऐसी मान किया गया और ये हम इनसे ऐसी आशा भी रखते हैं कि भविष्य में ये बाबा साहब के कारवा को आगे भी बढ़ाएंगे। जोरदार ताली। मानित करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये वो कोहिनूर है हमारे समाज के जिन्होंने आईएएस की परीक्षा में झंडा फहराया और हमारे समाज का नाम ऊपर किया। पीछे जो साथी खड़े हैं वो बैठ जाएं और जो साइड में है वो भी बैठ जाएं। थोड़ा पीछे हो जाइए। हमारे नव नियुक्त आईएएस हैं, उनका स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। और ये हम इनसे ऐसी आशा भी रखते हैं कि भविष्य में ये बाबा साहब के कारवा को आगे भी बढ़ाएंगे। जोरदार तालियां। इसी कड़ी में
जय भीम, जय भीम। इसी कड़ी में लग रही है भाई, लैग हो गया थोड़ा। मैडम जी, मैडम जी का बीच में दो मिनट हमारे बच्चों के लिए संदेश मिलेगा। और इसके लिए आप इंस्पायर कीजिए। मैम, नहीं करना हो तो, लेकिन आप एजुकेशन से पूरा